हेलो फ्रेंड्स, और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, तो आज मैं एक ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। आपने मेरी शॉर्ट्स देखी होंगी बहुत सारी कि मैं खाना बहुत खिलाती हूँ गरीबों को। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही ब्लॉग बनाने जा रही हूँ मैं एक, और आप ज़रूर बने रहिएगा इस ब्लॉग पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है कि कोई घर में आए या फिर कोई भिखारी आए बाहर तो खाना खिलाना, और बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे बचपन से ही। और अभी भी वो चीज़ ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेरी कम नहीं हुई है। तो मैं आपको ये ब्लॉग दिखाने जा रही हूँ, आप लोग बने रहिएगा इस ब्लॉग पे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आ चुकी हूँ, यहाँ गरीबी को बस्ती है और कितने सारे भिखारी और बच्चे, देखिएगा ये इतने खुश है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमें खाना मिलेगा। ये देखिए, अभी हम ना पत्तल बांट रहे हैं, तो पत्तल में ही ये लोग, ये देखिए लाइन से बैठ जाओ, हाँ लाइन से बैठ जाओ। क्या बैठ जाओ, खाना खाओगे? हाँ। क्या खाओगे? दाल भात। राजमा चावल? दाल चावल। पहले बच्चों का दे दो। ये देखिए कितने खुश हो रहे हैं, पहले बच्चे और ये देखिएगा, ये दूर तक ऐसे इनकी बस्तियां बनी हुई है। ये खाना, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं सारे के सारे। पहले मैं अपनी स्लीपर उतार दूँ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको बताऊँ तो मुझे इस तरीके से खाना खिलाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और मैं आपको भी एक सजेशन देती हूँ कि आप भी कभी एक किसी भूखे को रोटी खिलाकर देखिएगा, आपको पूरा दिन कितनी अच्छी वाइब्रेशन आएगी, आपको कितना अच्छा लगेगा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत आनंद आता है ये सब चीज़ें करने में। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, एक बार किसी भूखे को खाना खिला के देखिएगा, किसी की मदद की करके देखिएगा। तो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।